स्वीट पोंगल बनाएंगे। एक ग्लास चावल के लिए आधा ग्लास मूंग की दाल, मूंग की दाल सिर्फ गरम करके, फिर चावल और मूंग की दाल को बॉईल कर लिया है 6 ग्लास पानी डाल के। उसके लिए 1 कप गुड़, गुड़ को 1 ग्लास पानी डाल के उसको भी पिघला दिया है, देखिए ऐसा। तो इस चाशनी को चावल और मूंग की दाल में जो पका हुआ है ना उसमें डाल रही हूँ। 1 कप चावल के लिए आधा कप मूंग की दाल, 1 कप गुड़ और 1 कप नारियल का ग्रेट किया हुआ नारियल, देखिए ऐसा ग्रेट किया हुआ नारियल इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गार्निश के लिए काजू, किशमिश और बादाम को घी में तल लिया है। थोड़ा घी इसमें ऊपर से डालने से अच्छा रहता है। देखिए बॉयल हो रहा है, ये इलायची डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए स्वीट पोंगल रेडी। सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, स्वीट पोंगल रेडी।